गुरुवार शाम को दिघोरी पुलिया के पास फल विक्रेता के अचानक चक्कर आकर गिरने से और उसके पश्चात उसकी मौत होने से परिसर में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय शिवशंकर बाबूराव शाहू रोजाना इस इलाके में फल बेचा करता था। रोजाना की तरह ठेले पर फल बेचते हुए शाहू चक्कर आकर रास्ते पर गिर गए। जागरूक नागरिकों द्वारा पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उन्हें मेडिकल भेजा, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। बस पेट में दर्द होने के बाद और दवा वा खाए थे, दर्द की गोली खाए, नींबू पानी पिए, गर्म पानी पिए और ठेला निकल लिया। हम बोल रहे थे दवा खाने जाओ, नहीं गए। बस यही पर गिर गए ठेला के बाजू से। हमारे एक बच्चा बम्बई है, एक लड़की बम्बई है, यहाँ खाली एक लड़का एक लड़की, मैं और हमारे देवर। हम नाकाबंदी में खड़े थे, नाकाबंदी चल रही थी हमारे दिघोरी स्क्वायर में। तो वहाँ पे एक लड़का भागते हुए आया, उसने बताया कि कोई इंसान गिरा है ठेले वाला, फ्रूट बेचने वाला। तो मैं मेरे स्टाफ के साथ यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा तो वो गिर पड़ा था। उसको पानी वानी पिलाने का हमने प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ एक्टिविटीज़ नहीं बताई, इसलिए फिर हमने एम्बुलेंस 108 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस में उनको मेडिकल हॉस्पिटल भेज दिया। क्या हो गया उनको, क्या हमको, वो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो एपीए गोसावी जी जिन्होंने बात करते हुए बताया कि जिस तरह से वो आदमी गिरा था, इनको जानकारी मिलती है फौरन ये लोग आए और उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए उन्हें मेडिकल में रवाना किया गया है। ये कहीं ना कहीं कमजोरी भी एक मुख्य कारण इसका हो सकता है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज़ नागपुर।